हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मुबीन एंड यू आर वाचिंग कस्वा टेक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टास्क बार के जो आपके आइकन हैं इनकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, यानी इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। विंडो 11 के अंदर इन्होंने जितने भी आइकन हैं ये आपको सेंटर में दिए हैं। विंडो 7, 8 और 10 में ये लेफ्ट साइड पे हुआ करते थे। आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। यह सब आप कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आप सबसे पहला काम ये करें, कस्वा टेक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे ये जो सर्च का आइकन नजर आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखेंगे सेटिंग, ठीक है जी। ये लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर दें। अब आप देखें ये सिस्टम, ये ब्लूटूथ डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट, और नीचे आप ये देखें पर्सनलाइजेशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, अब थोड़ा सा स्क्रॉल को नीचे करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा टास्क बार में। यार आपको जूम करके दिखा दो, ठीक है जी। ये टास्क बार आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपको कुछ टास्क बार की आइटम दिखाएगा, ठीक है जी। ये चैट है, यहाँ पे मैंने चैट को ऑफ किया हुआ। ये नीचे ये देखिए, ये सर्च वगैरह और ये डेस्कटॉप वगैरह, ये आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। और ये विज कैस्ट है, ठीक है जी। ये मुझे इसकी जरूरत है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, कोई 10-11 मिनट का वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको ये तफसील से बताया ये विज कैस्ट क्या है, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको ए टू जेड बता दी उसके अंदर। जिसने वो वीडियो नहीं देखा मैं आज के निशान पर दे दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो ये कॉर्नर फ्लो है। ये कॉर्नर फ्लो क्या है यार, ये मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो आपको सिक्योरिटी नोटिफिकेशन नजर आ रहा है ये इसके अंदर है ना, ये बाहर आ जाएंगे आइकन। देखें ये आइकन बाहर आ चुका है, जैसे मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये भी बाहर आ चुका है। नीचे आप देख रहे होंगे ये मडोल भी, ये देखें ये बाहर आ चुका है, ठीक है जी। और वो आइकन सजा चुका है, ठीक है। इनको आप बाहर रखना चाहते हैं सिर्फ यही चीज़ है। और हमारी जो मेन चीज है वो ये है जी, टास्क बार बिहेवियर। यहाँ पे क्लिक करें आप, अब नीचे देखें ये टास्क बार अलाइनमेंट आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है सेंटर। यहाँ पे क्लिक करें, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा विडकैस है ना, अब ये इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं चाहते तो आप सिंपल इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से वो जा चुका है। मुझे इसकी जरूरत होती है क्योंकि मैं कुछ न्यूज वगैरह देख लेता हूँ उसके ऊपर, इसलिए मैं इसको वहां रखता हूँ। मौसम का कैलेंडर वगैरह सब कुछ उसके ऊपर आता है, ठीक है जी। ये मुझे जरूरत है इसलिए मैं रखता हूँ। और जब भी आप चाहें कि नहीं यार मुझे सेंटर में ही अच्छा लगता है, तो सिंपल आप क्लिक करके इसको सेंटर में कर दें। और नीचे एक ये बहुत अहम मजेदार चीज है, ये देखिए ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो ये आपका जो टास्क बार है ये हाइड हो जाए, और जैसे ही आप इसके ऊपर माउस को होवर करेंगे तो ये दोबारा शो करेगा, ठीक है जी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखें ये मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये शो हो रहा है, माउस पीछे करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आप कर सकते हैं, जैसे ही होवर करेंगे तो ये वर्क करेगा, पीछे करेंगे तो नहीं करेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो उसको हाइड कर दें, ऑफ कर। उम्मीद करता हूँ यार ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।